आज के इस वीडियो में शाउट आउट जाता है बेटा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये डबल डेटिंग बहुत गंदी बात होती है, कभी मत किया करो। तुम्हारे एज में मैं ये बहुत कांड किया हूँ, लेकिन बेटा अच्छी बात नहीं है ये सब। अरे दादाजी, जब देखो तो आप मेरे को सुनाते रहते हो। ठीक है ना, हो गया ना, कितना बोलोगे मैं नहीं करूंगा ऐसा, मेरे को रियलाइज हो गया। बेटा रियलाइज इंसान को ऐसे नहीं होता, तो पहले उस लड़की के पास जा, उसे जाकर सॉरी मांग, उससे माफी मांग बेटा। दादाजी जाकर फायदा क्या होगा? हाँ मैं जाऊंगा, फिर से वो मेरे को सुनाएगी। बेटा हो सकता है तुम लोगों का इसी कारण पैचअप हो जाए। सही पकड़े हैं। दादाजी मेरे को पैचअप तो करना है, बट वो करेगी तब तो। अरे हाँ वो भी है, बट बेटा एक बार जाकर देख, हो सकता है पैचअप कर ले, उसे भी रियलाइज होगा कि सच्ची लौगी अब माफी मांगने आया। अगर वैसा कुछ लगेगा उससे तो माफ कर देगी तेरे को, फिर तुम लोग दोनों बातचीत स्टार्ट कर देना। ये भी आप सही बोल रहे दादाजी, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाता हूँ अभी से बात करने के लिए। यार सुहानी का घर तो बहुत ही ज्यादा दूर है, मैं पैदल तो नहीं जा सकता, मैं जाता हूँ अभिषेक से गाड़ी मांगने के लिए। पता नहीं आज मिनी कहाँ गई है, मेरी दिख ही नहीं रही है मेरे को। यार अभिषेक, यार ये अभिषेक निकलता भी नहीं, इसके घर जाओ क्या? अभिषेक हेलो, घर पर कोई है? घर को ऐसे खुला छोड़कर चला गया क्या कहीं पे वो? हेलो अभिषेक। वाह क्या लड़का है यार, घर को खुला ही छोड़ कर गया है, और बाहर उसकी कोई गाड़ी भी नहीं है। यार अब मैं गाड़ी किससे मांगूं? यार सच्ची मेरे को सुहानी से माफी मांगना, उसे बात करना यार मेरे को, मैं अब कभी भी डबल डेटिंग नहीं करूंगा। मैं क्या करूं, कैसे जाऊं उसके पास? यार मेरे को कोई दुबे सिटी मिल ही नहीं रहा, छोड़ो मैं पैदल जाने की कोशिश करता हूँ, आगे से मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, सबसे अच्छा आइडिया है। किसी की कार है? हेलो 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 हेलो, क्या आप मेरे को लिखोगे? ओ शिट, ये तो ऐश्वर्या है। नो भागो जल्दी यार, मेरे पीछे पड़ जाएगी। यार ऐश्वर्या मेरे को बहुत जरूरी काम है, प्लीज मारो मत। यार मार क्यों रही हो? पहले बताओ तुम मेरे को देखकर इग्नोर क्यों किए? हां व्हाट, मैं कहां इग्नोर किया? यार ऐश्वर्या मेरे को बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है, मेरे को जाने दो। नो मैं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे को पहले बताओ तुमने मेरे को डिच क्यों किया? हां लॉगी, यार प्लीज प्लीज मारो मत यार। नो 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 नो, हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें डिच किया ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी 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 यार ऐश्वर्या, कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, अब सिर्फ हम लोग दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे को तुम्हारे साथ फ्रेंड्स भी नहीं करनी है। ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग दोनों फ्रेंड्स भी ना रहे तो ठीक है, इट्स ओके। यार तुम मेरे फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते। यार मैं किस मोड़ पे आ गया हूँ, दो दो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई, लेकिन मेरे को ऐश्वर्या से बात नहीं करना है, मेरे को सुहानी से करना है। यार कैसे बताऊँ इस लड़की को, कैसे समझाऊँ इससे? मैं हेल्प मांगता हूँ झूठ बोलकर, ये मेरे को सुहानी के घर तक आई थिंक से छोड़ देगी। ऐश्वर्या प्लीज बैठो जल्दी जल्दी। ऐश्वर्या मेरे चाचू ना बीमार है, हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो मेरे को उनको देखना है, इसीलिए मैं तुम्हारी गाड़ी पर बैठ गया, और 5 बजे ना मेरा ट्रेन है, तो मेरे को कैसे भी करके वो ट्रेन पकड़ना है। What? ठीक है ठीक है ठीक है लॉगी, ठीक है इस टॉपिक में हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग को फ्रेंड्स रहना है या फिर कुछ भी नहीं रहना है या फिर क्या रहना। ओके ओके ठीक है ऐश्वर्या। यार मैं इतने देर से सुहानी को ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रही है। यार इसका घर तो आ गया, बट इसके मम्मी पापा अंदर होंगे, मेरे को जाने में डर लग रहा है यार, कहीं मेरे को डांट ना दे कि कौन है तू। हाँ मैं यहाँ से देखता हूँ, पीछे के रास्ते से कैसे देखूँ यार, यहाँ से दिखेगा क्या? ओके इसके घर के अंदर यार वेट वगैरह उगे हुए हैं। वाह घर तो अच्छा है, बट सुहानी कब निकलेगी यार, आवाज भी नहीं दे सकता। ओए ओए हेलो हेलो, इस लड़की के घर पे क्यों झांक रहे हो? ओह शिट अंकल, आप सुहानी के पापा हो क्या? व्हाट पागल हो गए हो क्या?
सुहानी को मैं जानता हूँ, ना मैं उसका फ्रेंड हूँ, ना उसका पापा हूँ, ना उसको कोई लगता हूँ। ओके, आप कैसे जानते हो तो सुहानी को? मेरा घर उसके पास ही है तो जानूंगा ही ना। अच्छा हाँ, ये भी बात है। अंकल मेरे को ना नोट्स चाहिए था सुहानी से, तो आप उसे बुला सकते हो क्या? आई डोंट थिंक सो सुहानी अपने घर पर होगी, क्योंकि मैं उसे देखा था कि अभी 5 मिनट जस्ट पहले वो बाहर जा रही। अच्छा, किस तरफ जा रही थी अंकल? जस्ट तुम्हारे पीछे सीधे चले जाना, देन राइट मुड़ जाना। ओके ठीक है, पता नहीं यार सुहानी कब मिलेगी। ये अजीब सा घर यार, आई थिंक सो ये जेल है। 3 hours later यार सुहानी को ढूंढते ढूंढते यार शाम हो गया, पता नहीं वो मेरे को कहाँ मिलेगी। हेलो सुहानी। अरे लॉगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुहानी यार फाइनली तुम मेरे को मिल गई। सुहानी मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, पता है मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अभी तुम जाकर मेरे को मिली हो, शाम हो गया तब। सुहानी आई एम रियली सॉरी सुहानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे को बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी सुहानी, सॉरी। लॉगी, तुम मेरे लिए इतने दूर से दोबारा आए हो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए? लॉगी अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। सुहानी बस मेरे को माफ कर दो प्लीज। लॉगी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अगर तुम मेरे से इतने अच्छे से माफी मांगोगे तो? सुहानी अब मैं कैसे माफी मांगू यार, माफ कर दो प्लीज। लॉगी मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, बट मेरे से एक गलती हो गई है। तुम्हारी जो फ्रेंड थी ना मिनी, मैं ना गुस्से के मारे उसे कैद कर ली। व्हाट? सुहानी ये तुमने क्या किया? कहाँ है मिनी? इसलिए मैं सोचूं कि वो मेरे को दुबई से टाइम मिल क्यों नहीं रही थी। लॉगी वो भी जेल में है और मैं उसे कैद करके रखी हूँ, ना मैं उसे खाना देती हूँ ना ही पानी पीने को देती हूँ। सुहानी यार मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, कभी मेरे को किडनैप करती हो, कभी मिनी को किडनैप करती हूँ, ये जेल में कैद करके रखी हो क्या? हाँ लॉगी मैं क्या करूँ लॉगी, मेरे को नहीं पता था कि तुम मेरे से दोबारा माफी मांगने आओगे, मेरे को ऐसा लगा था तुम मेरे को छोड़ कर चले गए हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी जिसके कारण से मैं तुम्हें कैद करी थी, फिर वो मिनी तुम्हें छुटा कर ले गई, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया था वो लड़की पे तो मैं उसे कैद कर ली। मिनी को आप निकाल दो प्लीज यार सुहानी। वो मैं नहीं निकाल सकती लॉगी, मैं तुम्हें एक टास्क दे रही हूँ, अगर वो कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मैं की दी हूँ और ब्लॉक दी हूँ 1 stack, ओके? ये दोनों चीज का यूज करके तुम ये जेल के बाहर में पिकैक्स ढूंढो, पिकैक्स ढूंढ कर जेल का आयरन बार तोड़ो, डोर तोड़ो, जो तोड़ना है तोड़ो, तुम अंदर जाओगे मिनी तुम्हें मिल जाएगी। व्हाट? तो ये तुम भी कर सकती हो ना सुहानी, मेरे को क्यों दे रही हो? मैं ये टास्क तुम्हें इसलिए दे रही हूँ बिकॉज़ ये तुम्हें 2 घंटे में कंप्लीट करना। अगर तुम 2 घंटे वो लड़की को बचाते हो मींस मिनी को, तो तुम्हें मैं माफ कर दूंगी और फिर तुमसे बात करने लगूंगी। पक्का बात करने लगूंगी ना सुहानी? यस, अगर कंप्लीट कर लेते हो तो। अरे वाओ, थैंक यू सो मच दादाजी, आपने मेरे को बोला था और सारा कुछ हो भी रहा है, ये। गो लॉगी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके ओके, मेरे को पहले पिकैक्स ढूंढना है। किधर मिलेगा मेरे को पिकैक्स? इसके इधर ही कहीं होगा यार। ये पिकैक्स कहाँ पर छुपा के रखी है सुहानी यार? ये पेड़ मेरे को कुछ अनोखा लग रहा है। आई थिंक सो पेड़ में कुछ गड़बड़ी से तोड़ कर देखूँ क्या? आई थिंक सो मेरे को लगता है ये पेड़ के नीचे पिकैक्स तो नहीं होगा ना, रुको मैं तोड़ कर देखता हूँ होगा। माय गॉड, सुहानी तो बहुत शातिर है यार, फाइनली मेरे को पिकैक्स मिला, मैं फटाफट से ऊपर जाकर बचा सकता हूँ, पिकैक्स ही तो हर चीज कर सकता है यार। ओके आई थिंक सो मिनी इधर ही कहीं होगी। मिनी फाइनली यार मैं उसे बचा लिया और सिर्फ आधे घंटे के अंदर। हेलो मिनी, उठो, लॉकी आया है तुम्हें बचाने के लिए। What? लॉगी तुमने मेरे को कैसे ढूंढा यार? लॉगी ये लॉगी यार मेरे को तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा, पता चक्कर भी आ रहे हैं यार। पता है लॉगी तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
है, उसने मेरे को यहाँ पर कैद किया। यार मिनी मेरे को पता है, मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ा, तुम भूखे प्यासे एक जेल के अंदर कैद रही। आई एम रियली सॉरी मिनी, सारा कुछ मेरे कारण हो रहा है, मैं ना बहुत अजीब हो गया हूँ, अब मैं अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। मिनी यार सो मत, तुम्हें चक्कर आ रहा है ना, चलो मैं बाहर खिलाता हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ूंगी नहीं, लेकिन यार मिनी ये सब बंद करो ठीक है, मैं चलो तुम्हें समझाता। So guys, आगे क्या होगा वो तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नई होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।